जन हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त रोड शो में शामिल हैं और जगह जगह पर इस तरह की जो यात्राएं हैं वो निकाली जा रही हैं बीजेपी की तरफ से ज्यादा जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको आम जन को बताया जा सके और बताया जा सके। तो ये एक और रोड शो जिसमें आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो किस तरह से है, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है और लगातार इस तरह के रोड शो मुख्यमंत्री की तरफ से हो रहे हैं क्योंकि चुनावी समय है और चुनाव में कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं और यहां पर आपको बता दें कि रोड शो के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, तो काफी मायने हैं इसके। और चुनाव के समय में जो सरकार की योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना खासकर, उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार और उसमें मुख्यमंत्री खुद कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार रोड शो कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये विशेष आज वाहन तैयार किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद हैं और फिलहाल लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री आज देवास में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो जिसमें एक बार फिर से इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश इस सरकार की तरफ से हो रही है और इसी के लिए ये विकास यात्रा जगह जगह पर निकाली जा रही है। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें हैं उनको हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और आज कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। देवास में 1194 करोड़ की हंडिया बैराज माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री रोड शो कर ही रहे हैं और इसके अलावा एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को लगातार जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सीएम शिवराज देवास में 1194 करोड़ की हंडिया बैराज माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे और इसके बाद वो आम सभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का रिस्पांस यहां पर मिल रहा है। विकास पर्व का ये दौर जारी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के खाते गांव पहुंच चुके हैं। यहां पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान उनका रोड शो चल रहा है। उसके बाद वो 1194 करोड़ की हंडिया बैराज माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मंडी परिसर से सीएम का रोड शो शुरू हुआ है। ये 3 बत्ती चौराहा, गणेश चौक, महावीर मार्ग, अटल चौक, चमन चौक, बस स्टैंड से होते हुए सीएम आयोजन स्थल डाक बंगला पहुंचेंगे और बड़ी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचते हुए अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों को बताते हुए, क्योंकि अब ये चुनाव का समय है और इसमें लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको पहुंचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये विकास पर्व मनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट किसी तरीके से हो सके। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। देवास के खाते गांव में बीजेपी का ये विकास पर्व
चल रहा है इस वक्त। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए रिस्पॉन्स जिस तरह का मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये खातेगांव में बीजेपी का विकास पर्व की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आज करोड़ों की स्वागत भी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये भव्य रोड शो हो रहा है। और इसमें देखिए जगह जगह पर मुख्यमंत्री का किस तरीके से भव्य रूप में स्वागत किया जा रहा है। और न सिर्फ देवास बल्कि अन्य जगहों पर भी इस तरह के रोड शो मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। इसका एक मकसद यही है कि लोगों तक जो योजनाएं हैं सरकार की उनका लाभ पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है वो एक तरीके से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो फिलहाल आज देवास के खातेगांव मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो और इसके बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां पर करोड़ों रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, खातेगांव में बीजेपी का ये विकास पर्व। हजारों की भीड़ इस वक्त सड़कों पर है और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 1194 करोड़ की हंडिया बैराज माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे, इसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। मंडी परिसर से रोड शो शुरू हुआ जो 3 बत्ती चौराहा, गणेश चौक, महावीर मार्ग, अटल चौक, चमन चौक, बस स्टैंड से होते हुए सीएम आयोजन स्थल डाक बंगला पहुंचेंगे और यहां बड़ी सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। खातेगांव में बीजेपी का ये विकास पर्व की यात्रा इस वक्त निकल रही है।